हेलो फ्रेंड्स, फैंटेसी क्रिकेट फ्रेंड्स पर आपको सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो मैच के बारे में बताऊंगा वो है, यहाँ पर देख सकते हैं, वुमेन बिग बैश लीग का जो पहला मैच है, होबार्ट हरिकेन्स और पर्थ स्कॉचर्स जो मैच है, यहाँ पर उस मैच के बारे में बताऊंगा। आपको पता ही है जो वुमेन बिग बैश का यह पहला मैच है, तो यहाँ पर प्लेइंग इलेवन बहुत ही रिक्स है, लेकिन मैं जो बहुत ही रिसर्च किया और आपके लिए प्लेइंग इलेवन आपको दूंगा, कोशिश करूंगा प्लेइंग में अच्छा देने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल अब देख लीजिए, यहाँ पर पहले देख लेते हैं यहाँ पर होबार्ट हरिकेन्स एंड पर्थ स्कॉचर्स का क्या प्लेइंग इलेवन हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर अब देख सकते हैं यहाँ पर जो पर्थ स्कॉचर है प्लेइंग इलेवन उसका क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो लास्ट आपको प्लेइंग स्क्वाड भी दिखा देते हैं, जो न्यूज़ आया है यहाँ पर अब देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए जो न्यूज़ यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो न्यूज़ जो प्लेइंग 13 आएगा, वहाँ पर जो स्क्वाड अनाउंस हो चुके हैं, यहाँ पर देख बहुत सारे चेंज है। यहाँ पर देख लीजिए, मेग लेनिंग है, निकोले बोटन है, हेली ब्रेंट, केट क्रॉस, मठीला, कर्मिचल, उसके बाद भविष्णा डिपचत को जो उसको बुलाया है, नया नया प्लेयर है वो। उसके बाद यहाँ इफ्सारी हेदर ग्राम, सिम किंग, टेनल फेसल एंड कोलिंग पिपारो, उसके बाद इमली स्मिथ एंड इलिसी मिलानी, जो 13 मेंबर्स ऑफ स्क्वाड जो अनाउंस किया है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ से कौन कौन खेल सकते हैं आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए जो मैग लिनिंग है वो कप्तान है, उसके बाद आएगा निकोलस बोटन जो खेलेगा, हिलिस ब्रेनन, मथिला क्रमिचेल, उसके बाद यहाँ पर भविष्णा देवचांद जो लेफ्ट आर्म बॉलर है वो भी खेल सकते हैं, और चोली पिपारो वो भी खेल सकते हैं। उसके बाद लॉरेन अर्सी, हार्टग्राम, हिमांग किंग, टनिक स्पेशल, इमली स्मिथ एंड हेलिक ब्रेंड। तो मेरे लिए यही यही प्लेइंग इलेवन होना चाहिए। तो अगर आप सेफ चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मेग लैनिंग, निकोलस बोटन, हेलिट ब्रेनन, मैथिला कैमिचेल, रोशन इर्सारी, लातोग्राम, इमांग किंग, ट्रेनिंग स्पेशल, इमली स्मिथ एंड हेलिंग ब्रेन के साथ जा सकते हैं और अच्छा टीम बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड आप देख लेते हैं होबार्ट हरिकेन का क्या प्लेइंग इलेवन रहेगा। उसका भी एक न्यूज़ आया है, आपको दिखा देते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो न्यूज़ बस देख लीजिए, जो स्क्वाड अनाउंस किया है अब देख सकते हैं यहाँ पर, ससा मोलोनी, ब्रोकेन हेब्रान, स्टपी डफारा, आस्ट्रे, उसके बाद यहाँ पर फजक करली, उसके बाद फ्रीट कॉल, एलेक्स करी, एलेक्स अर्डली, उसके बाद मैथ्यूज़ और ओड्रॉनेल, मैक्स फ्लिप्स और पीक और रेडमी। यहाँ पर जो अब देख सकते हैं स्मृति मानधना और जो यहाँ पर हार्ट नाइट वो कोई भी नहीं है, तो इस मैच में कोई भी नहीं खेलेगा दोनों में से। तो यहाँ से आप जो प्लेइंग इलेवन हो सकते हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर देख लीजिए जो कप्तान है, ससा मोलोनी, स्टीपियर डफारा, इन फजग रेली, करिन हल, यहाँ पर उसके बाद ओड्रोनेल, उसके बाद रेडमेनिक जो विकेट कीपर है, उसके बाद यहाँ पर मैथ्यूज जो बैटिंग ऑलराउंडर है, उसके बाद ब्रोकी हेम्ब्रन जो मीडियम पेसर बॉलर है, उसके बाद एलेक्स हार्टी, मैक्स फिलिप्स जो राइट आर्म मीडियम पेसर है और ऑलराउंडर भी अच्छा बैटिंग कर लेते हैं, उसके बाद वेरोनिका पाइक भी लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर। तो मेरे हिसाब से ये प्लेइंग इलेवन होना चाहिए और यहाँ पर सभी सेफ है। तो चलिए फ्रेंड अब देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए जो ड्रीम इलेवन के टीम मैंने बनाया है वो भी आपको दिखा देते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड जो वीडियो मैं आपके लिए बनाया हूँ वो भी दिखा देते हैं आपको, वुमेन बिग बैश के यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देख लीजिए जो टीम आपके लिए बनाया हूँ, अब देख सकते हैं यहाँ पर जो विकेट कीपर का जो तीन चॉइस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इमिली स्मिथ, एमी जोनस, जोनस तो इस मैच में नहीं खेलेंगे, वो चोट के हिसाब से बाहर हो चुके हैं। तो यहाँ पर दो ही चॉइस है आपके पास, इमिली स्मिथ एंड जोगी रेडमैन। मैंने रेडमैन को चॉइस किया, आप चाहे तो इमिली स्मिथ को भी चॉइस कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड आप देख लेते हैं जो बैटिंग में मैंने चार बैट्समैन को लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं मेग लेनिंग जो अच्छा बैट्समैन है और टीम के कप्तान भी है, पर्थ स्कॉचर्स का कप्तान है, उसके बाद निकोले बोल्टन है जो अच्छा बैटिंग करता है, बॉलिंग ऑलराउंडर है जो बहुत अच्छा बैटिंग करता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्रॉनी हॉल एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ्यू कार्मिचेल को लिया है। आपके पास और भी चॉइस है यहाँ पर, अगर देखें तो इल्सी बिलानी इस मैच में नहीं खेलेंगे तो उसको मत लीजिए, उसको
एकदम ही न लीजिए। उसके बाद आपको पास स्टेपी डफारा का अच्छा चॉइस है, उसको आप ले सकते हैं, सेफ चॉइस है। उसके बाद उतना कोई सेफ ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। आप देखिए मैंने तीन ऑलराउंडर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हेनरी मैथ्यू जो अच्छा वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर है और अच्छा अच्छा ऑलराउंडर है, अच्छा बैटिंग ऑलराउंडर है, और उसके बाद सशा मलोनी जो क्या टीम का जो कप्तान है, एंड हर्ट ग्रम को मैंने लिया है। आपके पास चॉइस है मेक फिलिप्स का सेव ऑप्शन है, आप उसको ले सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी सेव ऑप्शन नहीं है। भाई साहब और डेविस साहब भी उतना सेव नहीं है, दीपचांद आप अगर गैंडली खेल रहे हैं तो उसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं तीन बॉलर लिया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर ब्रोकेन हेम्बर्न, उसके बाद पी पाइक एनिमा किंग। आप चाहे तो यहाँ पर सेव ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर फ्रीट का सेव ऑप्शन है, एंड ओ डोनेल भी सेव ऑप्शन है, आप ये लोगों को भी ले सकते हैं। चलिए फिर आप दिखा देते हैं आपको ट्रीम पीबू क्या है, क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रीम पीबू आपके लिए मैं बनाया हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पर फ्रेंड्स। यहाँ पर जो मैंने कप्तान एस मलोनी को बनाया है और वाइस कैप्टन एम लर्निंग को बनाया है। आपके पास और भी चॉइस है, आप चाहे तो यहाँ पर ऑलराउंडर एच मैथ्यूज़ को भी बना सकते हैं, एन बॉल्टन अच्छा चॉइस है, और उसके साथ एज ग्रहम भी अच्छा चॉइस है। तो अपना अपना कैप्टन आप बना लीजिए। तो फ्रेंड जो भी टीम देना था मैंने दे दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड थैंक यू, और आगे के वीडियो आप देते रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।